हेलो दोस्तों, सुल्तान मैन पावर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सऊदी अरब की एक और ताज़ा तरीन वैकेंसीज के साथ आपके सामने हाजिर है। ये कंपनी हमारे यहाँ पांचवी या छठी बार इंटरव्यू कर रही है, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल्स पे पिछली बार भी इसकी वीडियो डले हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की गल्फ से जुड़ी वैकेंसीज मिलती रहेगी आपको यूट्यूब के माध्यम से। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके जरिए से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट वैकेंसीज पा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आते हैं अब कंपनी के बारे में, डिटेल बताते हैं आपको। सऊदी अरब की ग्रीन कंक्रीट डायनेमिक्स कंपनी है ये। इसके लगभग 18 प्लांट्स हैं सऊदी में, बहुत सारी सिटीज़ हैं जैसे मक्का, दबान, तबुक, जद्दा, रियाद, इस तरह से 18 सिटीज़ में इसके काम चल रहे हैं। और करंट में ये कंपनी धीरे धीरे अपना एक्सपांसन कर रही है, 18 सिटीज से ऊपर और भी प्लांट्स वगैरह डाल रहे हैं लोग, और इसीलिए इनकी हायरिंग अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पिछली बार ड्राइवर, कंक्रीट पंप ऑपरेटर, ये सब की भर्तियां चल रही थी, इस बार लगभग 40 कैटेगरीज के लिए हायरिंग हो रही है। 27 तारीख को इंटरव्यू है दिल्ली में, 27 जुलाई। तो आप लोग एक दिन पहले 26 जुलाई को ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक एक कैटेगरीज आपको बताई जा रही हैं, आप ध्यान से सुने। इस कंपनी में मिक्सर चलाने वाले मिक्सर ड्राइवर चाहिए, लाइसेंस इसमें सऊदी, कतर, ओमान, बहरेन, कुवैत, दुबई, कहीं का भी, सिर्फ गल्फ लाइसेंस हैवी होनी चाहिए, वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी 1500 रियाल है, प्लस ट्रिप है। ट्रिप का क्या स्थिति है, 15 से 20 रियाल का ट्रिप है पर ट्रिप। महीने का अगर कोई 60 ट्रिप लगाता है, यानी कि 2 ट्रिप पर डे, तो उसके हो जाते हैं लगभग 1000 से 1200 रियाल। 1500 रियाल सैलरी फिक्स है, तो उसको 25 से 2700 रियाल ये मिलता है। इसके अलावा ज़्यादा ट्रिप जो लगाते हैं उनको और ज़्यादा सैलरी मिल सकता है, वो चांसेस होता है ट्रिप के ऊपर। दूसरी कैटेगरी है कंक्रीट पंप ऑपरेटर। कंक्रीट पंप ऑपरेटर की सैलरी 3000 रियाल है, और इसमें इंसेंटिव मिलता है क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तीसरी कैटेगरी है स्टेटिक पंप ऑपरेटर, जिसको स्टेशनरी पंप ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट लाइसेंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो हो मशीन चलाते हुए तो वीडियो लेके आप आ सकते हैं। कंक्रीट पंप ऑपरेटर में 3000 सैलरी है, लेकिन उसमें लाइसेंस चाहिए, गल्फ का लाइसेंस किसी भी कंट्री का हो वो लेके आ सकते हैं। चौथी कैटेगरी है बैचिंग प्लांट ऑपरेटर। बैचिंग प्लांट ऑपरेटर की सैलरी है 2500 से 4000 रियाल। इसमें फ्रेश रिटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली रिटर्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें रेडीमिक्स के लैब टेक्नीशियन भी चाहिए, 2200 से 2500 सैलरी है। इसके बाद आते हैं बस ड्राइवर चाहिए कंपनी को 20। बस चलाने वाले बंदों के जो लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो गल्फ का लाइसेंस चाहिए। गल्फ में सऊदी, कतर, ओमान, बहरेन, दुबई, कुवैत, कहीं का भी लाइसेंस हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 1500 से 1800 रियाल है, ओवर टाइम अलग से। इसके बाद लाइट ड्राइवर चाहिए कंपनी को 25, और सैलरी है 1400 से 1500 रियाल। इसमें सिर्फ सऊदी लाइसेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सोवेल ऑपरेटर यानी लोडर ऑपरेटर, ये गल्फ लाइसेंस वाले बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 2000 से 2500 रियाल, ओवर टाइम अलग से। स्कीड लोडर ऑपरेटर चाहिए यानी बॉबकेट लोडर, बॉबकेट ऑपरेटर जिसे स्कीड लोडर बोलते हैं, इसकी सैलरी है 1500 से 1600 रियाल, ओवर टाइम अलग से है। इसमें भी गल्फ लाइसेंस वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं प्लांट हेल्पर। 100 के लगभग प्लांट हेल्पर चाहिए, 1200 से 1300 सैलरी रह सकती है, बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि हेल्पर और लेबर की सैलरी दूसरी कंपनीज में 1000 या 1100 के नीचे ही रहता है। इस कंपनी में 1200 से 1300 सैलरी है, तो हेल्पर भी भारी मात्रा में आ सकते हैं। 100 बंदे चाहिए तो कम से कम 150 बंदों का इंटरव्यू होगा हेल्पर का। इसके अलावा गाड़ी धोने वाले, ट्रक्स धोने वाले, ट्रक वॉशर चाहिए, इसकी सैलरी 1200 से 1500 के बीच हो सकती है। फ्रेश रिटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और आप प्लांट हेल्पर में भी फ्रेश और रिटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरीज में। दूसरी कैटेगरीज में है गाड़ियों के लिए वर्कशॉप में डीजल मैकेनिक चाहिए। डीजल मैकेनिक की सैलरी रहेगी 2200 से 3200, खाने का रहेगा। हाइड्रोलिक मैकेनिक चाहिए 2500 से 3500 सैलरी है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए ट्रक के, 2000 से 3000 तक सैलरी, 200 खाने का रहेगा। ऑटो डेंटर ट्रक
के चाहिए, यानी कि ट्रक का डेंटिंग का टेक्नीशियन चाहिए जिसे ऑटो डेंटर बोलते हैं। 2000 से 2400 सैलरी, 200 खाने का है। मैकेनिक हेल्पर चाहिए वर्कशॉप के लिए, यानी ये भी जो भी अभी ऑटोमोबाइल के बारे में आपने सुना, इन सब का हेल्पर चाहिए जो गैरेज में काम करेंगे वर्कशॉप में, उसकी सैलरी 1200 से 1300 रहेगी, 200 खाने का। इसको कुछ ना कुछ काम आना चाहिए मैकेनिकल, जैसे कि इंजन का काम आना चाहिए, ऑयलिंग का, हाइड्रोलिक मैकेनिक के साथ काम कर ले, इस टाइप से फ्रेश बंदे जो होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंक्रीट ब्रेकर चाहिए, कंक्रीट ब्रेकर लेबर, यानी कि जो जम जाता है सीमेंट वगैरह उसको तोड़ने के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे इन बंदों को लगाया जाता है। इसकी भी सैलरी 1200 से 1500 है, 200 खाने का है। टायर मैन चाहिए जो बड़ी गाड़ियों का टायर का काम करते हों, टायर पंचर, टायर चेंज करना, उसकी सैलरी 1800 से 2200 है। ट्रक वॉशर चाहिए, 1200 से 1300 सैलरी, 200 खाने का। इसके बाद रिगर चाहिए, टीयूवी होल्डर, यानी गल्फ रिटर्न बंदे जिसके पास टीयूवी कार्ड है वो बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2000 से 2500 तक सैलरी है, 200 खाने का है। प्रोडक्शन लेबर, जहाँ पे कंक्रीट का काम होता है वहाँ प्रोडक्शन लेबर चाहिए, 1200 से 1300 सैलरी, 200 खाने का। मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब भी चाहिए, 1300 से 1400 सैलरी, 200 खाने का है। क्यूसी असिस्टेंट, यानी कि क्यूसी का काम किए हो, फ्रेशर हो, पूरा काम नहीं जानते हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर एज अ, 1200 से 1300 सैलरी, 200 खाने का रहेगा। स्टोर हेल्पर चाहिए, अरबिक और इंग्लिश बोलने वाले। ध्यान रखिए स्टोर हेल्पर में इंग्लिश और अरबिक इसलिए चाहिए क्योंकि उनको डेटा एंट्री करना होता है, उनकी टाइपिंग ये सब होनी चाहिए। स्टोर हेल्पर की 1000 से 1100 सैलरी, 200 खाने का रहेगा। बूम पंप हेल्पर, यानी कि बूम प्रेशर का जो मशीन होता है वो इंस्टॉल किए हो या थोड़ा नॉलेज हो, उस पर काम किए हो, वैसे बंदे चाहिए जो इंस्टॉलेशन कराने में हेल्प करे, उसी को बोलते हैं बूम पंप हेल्पर या बूम प्रेशर हेल्पर। सैलरी रहेगी 1200 से 1300, 200 खाने का। इसके बाद WTP प्लांट हेल्पर, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो काम किए हो लेकिन पूरा काम नहीं जानते हो, एज अ फ्रेशर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 1200 से 1300, 200 खाने का। और जनरल लेबर, जो कॉमन लेबर होते हैं, कॉमन लेबर भी चाहिए, उनकी सैलरी रहेगी 1000 प्लस 200, ये फाइनल रहेगी 1200। तो जिनको एज अ हेल्पर अप्लाई करना हो वो लोग भी आ सकते हैं। 27 तारीख को इंटरव्यू है, 27 जुलाई को आप लोग टाइम से 9 बजे से पहले पहुँचे, या एक दिन पहले आप लोग विजिट करें ऑफिस पे और डॉक्यूमेंट जमा कर दें, ऑफिस भी देख लें। अब आते हैं सीनियर्स कैटेगरीज पे। तो सीनियर कैटेगरी में है फ्लीट एडमिन सुपरवाइज़र, फ्लीट एडमिन चाहिए, फ्लीट सुपरवाइज़र चाहिए, सैलरी 4000 से 6000 तक है सैलरी, ये ज़्यादा भी लग सकती है। ड्राइवर जो भी काम करें उनके टीम लीडर चाहिए, पढ़े लिखे गल्फ रिटर्न लाइसेंस वाले जो टीम को लीड कर सके, 3500 से 5000 रियाल तक सैलरी है इसमें। बैचिंग प्लांट सुपरवाइज़र चाहिए, 5000 से 8000 सैलरी है। कंक्रीट पंप फोरमैन चाहिए, 5000 से 8000। यार्ड के फोरमैन चाहिए, 2000 से 2400 सैलरी, 200 खाने का। कंक्रीट प्लांट यानी प्लांट डिस्पैचर जो होता है, डिस्पैच करते हैं, 2500 से 3000 उनकी सैलरी। आइस प्लांट टेक्नीशियन, इसमें आइस प्लांट भी होता है बैचिंग प्लांट में, कंक्रीट प्लांट में, उसकी आइस प्लांट टेक्नीशियन की सैलरी 2000 से 3000 रियाल, 200 खाने का। बैचिंग प्लांट टेक्नीशियन चाहिए, 2500 से 3500 सैलरी, 200 खाने का। इलेक्ट्रीशियन चाहिए प्लांट वाले जो हाई वोल्टेज के काम करते हों, केबल ट्रांसमिशन, केबल ग्लैंडिंग ये सब करते हों, 2500 से 3000 सैलरी, 200 खाने का। WTP ऑपरेटर यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेटर, 1400 से 1800, 200 खाने का। लैब टेक्नीशियन चाहिए रेडी मिक्स के, उसकी सैलरी 2000 से 2500 और 200 खाने का। लैब सुपरवाइज़र भी चाहिए, 4500 से 6000 रियाल सैलरी। थोड़ी इसमें एक नंबर ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोग इसको देख लीजिए, 4500 से 6000 तक सैलरी। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए अरबिक और इंग्लिश स्पीकिंग वाले, क्योंकि इनको भी दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, इसलिए दोनों लैंग्वेज जानने वाले बंदे चाहिए, 2000 से 3000 सैलरी, 200 खाने का। साइट एम्बेसडर चाहिए, 4000 से 6000 सैलरी। इंजीनियर चाहिए QC के और WTP इंजीनियर चाहिए, PMB इंजीनियर, साइट इंजीनियर, ये सब 5-5 चाहिए। 5000 से 8000 सैलरी है, खाने का अलग से 200 है। रेडी मिक्स के बैचिंग प्लांट स्टोर कीपर चाहिए,
स्टोर कीपर जो बैचिंग प्लांट के हों वो बंदे, अरेबिक और इंग्लिश स्पीकिंग बंदे और टाइपिंग वाले बंदे भी चाहिए। 2000 से 2500 सैलरी रहेगी इसकी, 200 खाने का अलग। इसमें जो ड्यूटी है सीनियर्स का 9 घंटे है, वह टाइम रहा तो अलग से मिलेगा। और कैटेगरी वाइज में डिप्लोमा और डिग्री चाहिए। ये तीसरे पेज पे जो आपने जितने भी कैटेगरीज देखे हैं सब ये सीनियर पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा डिग्री या फिर गल्फ रिटर्न का कुछ भी अटैच करके दे सकते हैं इंटरव्यू। कंपनी अच्छी है और सैलरी का रेंज भी अच्छा है। इसमें लगभग 20 दिन के अंदर ही फ्लाइट जाने वाली है। कंपनी को अर्जेंट है तो आप लोग देख लें अपने अपने कैटेगरीज के हिसाब से, अगर आपके काम का है तो ठीक, नहीं तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उनको भी अपने जॉब की तलाश में आप मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें इसी तरह हमारे चैनल पे और देखते रहें, नई नई वैकेंसीज अपडेट की जाती रहती हैं। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई ताज़ा वैकेंसीज पा सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए ज़रूर फॉलो करें और हाँ हमारे चैनल को भी फॉलो करें ताकि आपको इसी तरह की वैकेंसीज आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वैकेंसी जल्दी जारी की जाएगी, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।